हेलो फ्रेंड्स, वी आर बैक, वारण्या राय एंड मॉम। अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो ये है वारण्या और मैं हूँ उसकी मॉम। और हमारा गोल बहुत ही सिंपल है, हम आपकी पेरेंटिंग जर्नी को और भी आसान बनाना चाहते हैं, इसलिए हम हर हफ्ते आपके लिए वीडियो बहुत ही इजी लैंग्वेज में बनाते हैं। फिर भी अगर आपके पास कोई डाउट या सुझाव है तो हमारे साथ जुड़ करके आप उसे शेयर कर सकते हैं। उसके लिए आप जा सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पे और वहां जाकर हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। तो अब बात करते हैं आज के वीडियो की। हम लोग दो हफ्ते से अफर्मेशन की बात कर रहे हैं, तो आज हम अफर्मेशन में कैसे यूज करना है, व्हाट आर द डूज एंड व्हाट आर द डोंट्स। फर्स्ट थिंग, हमको अफर्मेशंस बहुत ही पॉजिटिवली एंड वाइसली यूज करना चाहिए। रादर देन यूजिंग नेगेटिव वर्ड्स, हमको पॉजिटिव वर्ड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कहना है यू आर नॉट अ बैड गर्ल, तो यहाँ पर नॉट और बैड दोनों ही नेगेटिव वर्ड्स हैं। अफर्मेशन तो ठीक है, लेकिन वर्ड्स नेगेटिव यूज किए हुए हैं। सो इन दैट सिनेरियो यू हैव टू यूज यू आर अ गुड गर्ल। ये एक सिंपल एग्जाम्पल है कि हमारे अफर्मेशंस शॉर्ट एंड स्वीट होने चाहिए, बहुत ही सिंपल होने चाहिए। डोंट मेक लॉन्ग अफर्मेशंस। लॉन्ग अफर्मेशंस यूज करने से वो बच्चों को याद नहीं होती है और वो उनके सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं पहुंच पाती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको करनी है, सेम अफर्मेशंस को आपको 21 डेज के लिए रिपीट करना है। फॉर एग्जाम्पल, 5 अफर्मेशंस आपने लिए हैं और उसको आपको 21 डेज के लिए रिपीट करना है। इसमें डोंट ये है कि आपको इसमें एक भी दिन स्किप नहीं करना है। यू मेक श्योर कि वो 21 डेज आपको पूरा चलाएं, या तो आप अपनी वॉइस में और या अपनी रिकॉर्डेड वॉइस में। पॉइंट है कि आपको ये बच्चे के सोने के 15 मिनट्स के अंदर आपको ये करना है। और कब कब आप शेयर कर सकते हैं? अर्ली इन द मॉर्निंग, जब बच्चा उठता है तो उसका माइंड खाली रहता है, तो सबकॉन्शियस माइंड तक कोई भी बात पहुँचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और जब बच्चा सोने जा रहा है उस समय, और जब बच्चा 15 मिनट्स के लिए सो जाता है उस समय, ये सारे टाइम आपके बहुत ही फिजिबल हैं बच्चों से अफर्मेशन शेयर करने के लिए। बच्चों से कब ये सब चीज़ें नहीं शेयर करनी चाहिए? जब बहुत बिजी डे है, या उसने अभी क्लास ख़त्म की है, या वो खेल रहा था, या वो बाहर घूमने गया है। कोई भी दिन के या शाम के बिजी टाइम में बच्चों से ये शेयर करने से हमें ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको अफर्मेशन बच्चों को याद नहीं कराने हैं, आपको खुद से बोलना है। जब तक वो खुद से इतना बड़ा नहीं हो जाता कि वो अपने खुद के अफर्मेशन बना ले। तो फ्रेंड्स, ये जो छोटे छोटे डूज एंड डोंट्स हैं, अगर आप इसको ध्यान रखेंगे तो बहुत ईजिली आप अपने बच्चे के एटीट्यूड में छोटे छोटे अफर्मेशन से चेंज ला सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय। टेक केयर एंड बाय बाय।